नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा एक डेकोरेशन का टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बहुत ही कुछ सिखाने वाला हूँ। और मेरी वीडियो पर जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो को चालू करते हैं। जैसे कि गाइस आपको इस तरह का कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, यह हमारा क्रेप कपड़ा है जिसे हम चुन्नी वाला भी कपड़ा बोलते हैं। बहुत ही प्यारा कपड़ा है, यह डेकोरेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कपड़ा है। इस तरह का कपड़ा आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर इसके प्राइस की बात करो तो आपका 18-19 रुपये मीटर के हिसाब से आपको मार्केट में अच्छा वाला कपड़ा मिल जाएगा। जैसे कि गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारे 3 स्टैंड हैं जो फ्रेम है हमारे। इस तरह का फ्रेम आप अपनी डेकोरेशन के लिए बनवा सकते हो, बहुत ही प्यारे फ्रेम है। अगर इस वाले साइज की बात करो तो ये आपका 4x8 का फ्रेम है, ये आपका 4x7 का फ्रेम है और ये जो लास्ट वाला है ये भी आपका 4x8 का फ्रेम है। इसी प्यारा फ्रेम है, आज मैं इसमें ही बहुत ही प्यारी डेकोरेशन करने वाला हूँ और मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसमें मैं आपको बहुत ही बारीकी से जो काम होता है उसे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि गाइस हमने अपने फ्रेम में ऊपर कपड़ा लगा दिया है, वैसे ही कपड़ा जैसे हमने ऊपर लगाया है वैसे ही कपड़ा हमें नीचे लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। जैसा कि गाइस हमने अपने फ्रेम में कपड़ा लगा दिया है, ऊपर भी लगा दिया है, उसी कपड़े को हम जैसे हमने ऊपर लगाया है वैसे ही कपड़ा हमने नीचे भी लगा दिया। आप भी अपने फ्रेम में इस तरह से कपड़ा लगा सकते हो। आप अच्छे से भी चुनर डाल के भी कपड़ा लगा सकते हो, आप प्लेन भी कपड़ा लगा सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसे आप कपड़ा लगा सकते हो। जैसा कि गाइस आपको इस तरह का राउंडिंग दिखाई दे रहा होगा, यह राउंडिंग हमारी 6x6 की राउंडिंग है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह की राउंडिंग बनवा सकते हो। यह एक लोहे के पाइप में बनी हुई चौकोर पाइप का बना हुआ राउंडिंग है, आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का राउंडिंग बनवा सकते हो। इसका जो बेस है मैं आपको दिखाता हूँ, ये टी टाइप का बेस है इसका खड़ा करने का। आप भी लोहे का टी टाइप का बेस आप बनवा सकते हो, बहुत प्यारा बेस है जो इसे अच्छे से खड़ा कर सकते हो आप। जो राउंडिंग का जो बेस बनता है वो जो इसकी लंबाई है और सेम इसके जो राउंडिंग की जो इसका स्टैंड है नीचे वाला, इसकी लंबाई के सेम बराबर रहता है। इसलिए आप जब भी इसका स्टैंड बनवाओ तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम रहनी चाहिए, जिससे कि जी आसानी से खड़ा रहे। वाली राउंडिंग पे मैं आपको कपड़ा लगा के दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा कपड़ा। आप इस तरह की डेकोरेशन कर सकते हो कपड़ा से। इसमें मैं अभी बहुत ही शानदार तरीके से आपको कपड़ा लगा के दिखाऊंगा, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे। जैसा कि गाइस आपको क्रेप कपड़ा इस तरह से पकड़ना है और इसमें हल्की हल्की चुन्नटें आपको इस तरह से लेनी है और चुन्नटें लेने के बाद आपको कपड़ा ऊपर से निकालना है और यही कपड़ा आपको नीचे से भी निकालना है। जैसे कपड़ा आपने सिंगल कपड़ा ऊपर से भी निकाला, नीचे से भी निकाला और इसका जस्ट ये वाला दोनों भाग पकड़ के इसमें पीछे से गांठ बांधते हैं आपको।
ऐसे ही आपको दूसरा कपड़ा लेना है, आगे की तरफ से निकाल के पीछे की तरफ इसमें दोनों कपड़ा दोनों टुकों को पकड़ के आपको गांठ इसमें भी कपड़े में फांसनी है। जैसे कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा प्लस का निशान बन गया है। अगर इसमें आप दूसरा भी कलर इसमें यूज कर सकते हो, आज मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा हमने अपने रैंडम में इस तरह से कपड़ा लगा दिया है। जितना कपड़ा हमने आगे की साइड से लगाया उसी कपड़े को हमने पीछे बांध दिया। आप भी गांठ इसमें बांध सकते हो और बहुत ही प्यारी है डेकोरेशन, आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब क्या लेना, आपको इस तरह का तार लेना है। इस तार से आपको मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। बीच वाले सेंटर को आपको पकड़ना है और तार से इस बीच वाले सेंटर को आपको बांधना है। अब क्या करना है आपको, स्टेप बाई स्टेप आपको हर कपड़ा खोलना है। जैसे कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा हमने अपनी रैंडम में बहुत ही आसानी के साथ कपड़ा लगा दिया है। आप इस तरह से कपड़ा लगा सकते हो। अगर आप प्लेन कपड़ा लगा सकते हो तो एक कलर का कपड़ा लगा सकते हो। अगर आप काफी कलर ले सकते हो तो इस तरह से भी आप कलर ले सकते हो। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन आज होने वाली है और मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे। जैसे कि गाइस आपको इस तरह की टोकरी दिखाई दे रही होगी, यह टोकरी बहुत ही काम की चीज़ है। डेकोरेशन में आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चलती है। मैंने वीडियो में आपको बताया कि आप इस तरह की टोकरी खरीद सकते हो। बहुत ही प्यारी टोकरी है, आज इसकी डेकोरेशन में आपको करके दिखाऊंगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, अगर इसकी कीमत की बात करूँ तो आपको 50-60 रुपये का पर पीस के हिसाब से आपको यह मिल जाएगी। उस पर आप गेंदा वाली लड़ी लगा सकते हो, राउंडिंग में बहुत ही प्यारी लड़ी है इस तरह से, या और एक लाइन भी और लगा सकते हो। जितना आपको चित्र लगे वैसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। आज इसी पे मैं डेकोरेशन करके आपको दिखाता हूँ। इस वाली टोकरी को मैं इस वाली राउंड में लगाने वाला हूँ और इन तारों की मदद से इसे लगाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसे तार बांध के इसे लटका सकते हो। जैसे कि गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आपने ऊपर तार लगाया है वैसे ही आपको तार नीचे लगाना पड़ेगा जब ये इस तरह से सेंटर में आएगी। जैसे कि गाइस आपको दिखाते रहोगे या हमारी राउंडिंग में बीच सेंटर पे हम इस तरह से अपना टोकरी लगा सकते हैं। तो इस तरह का फॉर्म दिखाते रहोगे या फॉर्म आप मार्केट से खरीद सकते हैं, या 400 रुपये का सीट आता है 3x6 का, बहुत ही प्यारा सीट आता है। आप इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के डेकोरेशन में अपने में यूज कर सकते हो। जैसा कि गाइस हमने अपने फ्रेम में इस तरह से टोकरी लगा दी है, आप भी अपने फ्रेम में इस तरह से टोकरी लगा सकते हो। या आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया हो टोकरी लगाने का तो टोकरी आप उस तरह से भी लगा सकते हो। अगर आप डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन सिखाऊंगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी बहुत ही प्यारी डेकोरेशन होने वाली है, ये आप देख सकते हो। इसमें मैंने टोकरी का इस्तेमाल किया है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें आप कैसे से डेकोरेशन कर सकते हो।
दर्शक की गाइस आपको इस तरह की बम्बू वाली पत्तियां दिखाई दे रही होंगी। बम्बू की यह पत्तियां बहुत ही ट्रेंडिंग में चलती हैं और चल रही हैं। आप इस तरह की डेकोरेशन के लिए आप इस तरह की बम्बू की पत्तियां खरीद सकते हो। यह दर्जन के हिसाब से आती हैं, आपका 200 रुपये की दर्जन के हिसाब से आपको यह मार्केट में मिल जाएंगी। जैसे कि गाइस हमने इसमें बम्बू वाली घास लगा दी है। अभी आपके पास जो भी घास हो उसे आप लगा सकते हो, पत्तियां अभी हो पत्तियां भी आप लगा सकते हो। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन होने वाली है। जैसे कि गाइस आपको इस तरह का बुक्का दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा बुक्का है। आप अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का बुक्का बनवा सकते हो। आज मैं इसी का इस्तेमाल इसमें करने वाला हूँ। वाले बुके को आपको बस क्या करना है, इस वाले फॉर्म में बसाना है और कुछ नहीं करना। बहुत ही आसानी के साथ इस तरह का बुका फॉर्म में बस जाता है। जैसा कि गाइस मैंने अपनी टोकरी में पहले बम्बू वाली पत्तियां लगाई थी, फिर उसके बाद मैंने बुक्का उसाया। बहुत ही आसानी के साथ फॉर्म में आप बुक्का उस सकते हो। मैंने भी बहुत ही आसानी के साथ इस तरह की डेकोरेशन कर ली है। आप भी देख सकते हो, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस तरह की डेकोरेशन करने में। आप भी अपनी डेकोरेशन इस तरह से कर सकते हो। बहुत ही प्यारी आज मैं आपके लिए डेकोरेशन लाया हूँ। इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है, मेरे वीडियो के एंड तक बने रहें। जैसा कि गाइस आप अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का स्टैंड बनवा सकते हो। बहुत ही सारा स्टैंड है, मैंने काफ़ी वीडियो में इसका इस्तेमाल किया है, आज भी मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। यह आपका चौकोर पाइप में लोहे का बना हुआ है और इसकी जो हाइट है वो आपका 3 फीट और ये वाली जो चौड़ाई है वो आपका 9 इंची। जैसा कि गाइस आप देख सकते हो, मैंने बहुत ही आसानी के साथ इस तरह का स्टैंड बना दिया है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का स्टैंड बना सकते हो। इसमें अभी थोड़ी सी डेकोरेशन और बाकी है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसा कि गाइस आपको इस तरह की हैंगिंग दिखा दे रही होगी, इस तरह की हैंगिंग आप अपनी डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हो। जैसा कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। हमने बहुत ही आसानी के साथ इस तरह की डेकोरेशन कर ली है। इस पर मैंने टोटली टोकरी पर वर्क किया है। आप भी अपनी डेकोरेशन में टोकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी जगहों पे मैंने इसका टोकरी का इस्तेमाल किया है। इस सेंटर पर मैंने जो राउंडिंग पे कपड़ा लगाया था, इस पर मैंने टोकरी का इस्तेमाल किया है। इस वाले जो स्टैंड है हमारा, इस पर भी मैंने टोकरी का इस्तेमाल किया है। जो हमारी डेक में आपको दिखाई दे रही होगी, इस पर भी हमने टोकरी का इस्तेमाल किया है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का डेकोरेशन इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही प्यारी स्टेज आज मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अगर इसका बात करूँ तो आप इसे कहाँ पे बना सकते हो, मैं आज आपको बताता हूँ। इसे आप संगीत फंक्शन में बना सकते हो, इसे आप हल्दी डेकोरेशन में बना सकते हो, इसे आप मेहंदी डेकोरेशन में बना सकते हो, या आप इसका बड़ा साइज अपने वेडिंग डेकोरेशन स्टेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन आज मैंने आपको करके दिखा दिया है और मुझे आशा है कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और मेरा जो काम है वो भी आपको पसंद आया होगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। और जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उन्हें फुल डिटेल में काम सिखाऊँगा, बहुत ही अच्छा काम सिखाऊँगा। तो हर चीज़ के बारे में मैं उनको सिखाऊंगा कि आप अपनी डेकोरेशन के लिए किस तरह के फ्रेम खरीद सकते हो, या नया नया काम खोलना चाहते हो तो आप किस तरह का सामान खरीद सकते हो और कितने प्राइस में उसे खरीद सकते हो। काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा।
और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। मैं आपको बताता हूँ, इसमें बारीकी से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें तार कैसे लगाए हैं और जो कंडिया पे जो मैंने बुके लगाए हैं ये कैसे लगाया है, काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आज आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की साइड से हमने अपनी राउंडिंग में इस तरह से गांठ बांधी थी कपड़े में। आप इस तरह से गांठ बांध के इसे रोक सकते हो। और जो फ्रंट पे हमने इस टोकरी लगाई थी वो कैसे रोकी थी इसमें तार से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का तार हमने इस कपड़े में बांधा था, यहाँ से बांध के सीधा हमने इस टोकरी को लटकाया था। बहुत ही आसानी के साथ हमने टोकरी को लटका दिया था। और जैसे ही मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ये आपको तार दिखाई दे रहा होगा हमने सेम ऐसे ही इसे भी लटकाया है। और जो ऊपर टोटली वर्क हो रहा है हमारा, टोकरी जो लटकी हुई है वो तार से ही लटकी हुई है। आप भी अपनी डेकोरेशन में इस तरह से लटका सकते हो। वो आप देख सकते हो हमने फॉर्म में इस तरह से बुके लगाए हैं। आप अपने फॉर्म में इस तरह से बुके लगा सकते हो। अगर आप टोकरी को बांधना चाहते हो तो बांध सकते हो। और बैक में मैं आपको दिखाऊँ, जैसे हमने कपड़ा नीचे लगाया है वैसे ही कपड़ा हमने सेम ऊपर लगाया। मैं अभी आपको ऊपर ले चलता हूँ। जैसे कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का तार हमने कपड़े में लपेट के इस तरह से बांधा है। आप देख सकते हो थोड़ा रोशनी आ रही है सूरज की, तो आपको कमी दिखाई देगा। वैसे हमने ऊपर बांधा है, वैसे ही हमने इसे नीचे हमने तार को बांधा है अपने स्टैंड में। इस तरह से हमने इसमें काम किया है और टोकरी को भी हमने इस वाले तार से बांधा है। तो गाइज आप देख सकते हो हमने आपको बारीकी से दिखा दिया है हमने इसमें टोकरी कैसे लगाया है, कपड़ा कैसे लगाया है और टोकरी में जो हमने गुलदस्ता कैसे लगाया है वो चीज़ें मैंने आपको बारीकी से दिखा दिया है। और मुझे आशा है कि आपने इस तरह की डेकोरेशन करना सीख लिया होगा। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है। अगर इसके प्राइस की बात करो तो आप इसका 7 से 8 हज़ार रुपये पर डे का इसका प्राइस आप रख सकते हो। बहुत ही प्यारी स्टेज आज मैंने आपको टोकरी से और इस तरह के स्टैंड से बना के दिखा दिया बात। और मुझे आशा है कि आपने इस तरह का काम करना सीख लिया होगा। और जो भी मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। और मुझे आशा है कि आपने इस तरह का काम सीख लिया हुआ और आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।